गुड मॉर्निंग। एक अलग सा जन्मदिन मनाने के बाद आज एक अलग सा दिन है, तो आप लोग कैसे हैं? ये तो बताइए, ठीक है ना? सब स्वस्थ है? तो चलिए, बर्थडे कल हो गया है और आज आज तो एक जरूरी काम है, इसलिए जल्दी जल्दी काम करना कम खत्म करना है। वो है आज वैक्सीन लेना है मुझे और मेरे हस्बैंड को। तो चलिए जल्दी जल्दी खाना बना बना के रख देते हैं, क्योंकि सुना है लेने के बाद यानी कल थोड़ा बुखार आ सकता है कि दर्द हो सकता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही खाना पकाऊंगी मैं वो 2 दिन के लिए। देखते हैं क्या कितना हो सकता है, और थोड़ा डर लग रहा है, पता है डरने का कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे सारे चाचा लोग, मेरे पापा सभी ने ले लिया, फिर भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। आज खाने पे वो पापा जो प्रॉन भेजा था ना, उसका मलाई करी करेंगे, और क्या बनाए, मूंग दाल से वो रोहू फिश का हेड से बनाते हैं, बंगाली में जिसे माछेर माथा दिए मुगे डाल वाले वही बनाएंगे, तो जल्दी जल्दी वो सब कर लेते हैं। इतना जल्दी जल्दी काम करना है ना, राइस इसलिए एकदम बॉयल हो गया है, अब गैस ऑफ कर देंगे और चाय भी बिठा दिया, चाय ऑलमोस्ट हो गया है। और मूंग दाल के लिए मूंग दाल थोड़ा ड्राई रोस्ट करेंगे, इसके लिए मूंग दाल भी बिठा दिया मैंने। जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेते, मधुर फूल दाओ 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 दाओ, बोले वो भावना पिछले चाबो ना पाल तुल दाओ 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 दाओ। खाना ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, मूंग दाल भी रेडी है और मलाई करी भी ऑलमोस्ट हो गया है। पापा का बिना मिर्ची का बनाना पड़ेगा, इसलिए पापा के लिए अलग से बनाऊंगी। बस नहाऊंगी नहीं, वैक्सीन लेने के बाद आके तो नहाना है ना, सब कुछ चेंज वेंज करना है, धुलाई करना है, इसीलिए आके ही नहाऊंगी सब कुछ करके। चलिए चलते हैं। पापा के लिए 2 पीस रख दी, बिना मिर्ची के बना के दूंगी। रेडी, सब कुछ कंप्लीट करके ऐसे ही चले जाऊंगी, आके नहाऊंगी, क्योंकि सब कपड़ा वपड़ा तो वो इंजेक्शन लेने के बाद धुलाई करना ही है। बाहर जाऊंगी तो आजकल एक उसे आप बैड हैबिट गुड हैबिट्स जो भी बोले, आने के बाद से सारे कपड़े धुलाई कर देते हैं हम। आप लोगों को शायद लगता है कि एक ही कपड़ा तो मैं पहन के वीडियो करती हूँ, एक्चुअली ये बात नहीं है, मेरे ऐसे काले टी शर्ट 2-3 हैं, इसलिए आप लोगों को ऐसे ही लगता होगा, टाइम नहीं है, ऑलरेडी 1:30 बज चुके हैं, 2:30 बजे का टाइम स्लॉट है हमारा, तो चलिए चलते हैं। वैक्सीन लेने के लिए हम दोनों आ गया, ये मैडम ने हमें वैक्सीन दिया। হাফ স্লিভ পরে এলে সবচেয়ে ভালো, আমি ওই জন্য তো টি শার্ট পরে এলাম, টাইট হয়ে যাচ্ছে জায়গাটা, তো অসুবিধা হবে। হ্যাঁ,
আপনাকে যা বলেছি ওনার খুব ভালো লাগে। कल मेरा और मेरे हस्बैंड का कोविड वैक्सीन हम लोग दोनों ने ले ली, उसका थोड़ा फुटेज हमने ले पाई प्रॉपर, शायद आप लोगों को दिखेगा नहीं, देखेंगे कितना दिखा पाए, क्योंकि खुद अपना वैक्सीन का वीडियो तो खुद शूट नहीं कर सकते ना। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो मुझे हुआ नहीं, लगा जो सुई अंदर जो गया कुछ समझ में ही नहीं आया। इससे किचन में काम करते करते हम लोगों को बहुत ज़्यादा वो पेन होता है कि कभी उंगलियां कट जाता है, कभी कुछ गर्म चीज़ हाथ में पकड़ लेते हैं उससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसा कुछ तो हमें मालूम ही नहीं पड़ा, पर आज सुबह ये जो मुझे लगा, क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड पे लगाया टीका, तो थोड़ा अगर कहीं लग जाए तो वहाँ थोड़ा पेन हो रहा है, कुछ वो सेप्टिविन वेप्टिविन लग जाने से जैसे पेन होता है वैसे ही, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, मुझे एक प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम इसे बोलेंगे क्या, नहीं प्रॉब्लम नहीं है, इन वैक्सीन देने के बाद से मुझे थोड़ा ड्राउजी फील हो रहा है, और कल रात इतना सोई में इतना ज़्यादा नींद आया कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा, और सुबह भी काम करने के लिए उठने का आँखें ही नहीं खुल रहा था, तो थोड़ा क्या बहुत लेट से उठी, मैं 10 बजे उठी, तो जाके थोड़ा राइस बनाया और थोड़ा फिश बना दूँगी, और कुछ भी नहीं, कोई तकलीफ कुछ भी, कोई दर्द कुछ भी नहीं, बदन पे दर्द कुछ भी नहीं, कोई बुखार कुछ भी नहीं हुआ। मेरा हस्बैंड का भी वही हाल है, तो चलिए इसी से ही आज का इनका शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा दीदी आज आ गया, बोलिए। आप शाम की कितने बजे, अब 5 बज गए, 5:30, दोपहर में काम करने के बाद तो एकदम टाइम नहीं मिला अचानक से। देखिए इस प्लांट में ना, इसका पत्ता भी कितना खूबसूरत सा है, और इसमें दोनों कलर की फ्लावरिंग होता है, एक वाइट और एक पिंक, कितना अच्छा है ना। तो जो बोल रही थी, खाना खाने के बाद तो हम सो गए थे, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा नींद आ रहे हैं। पता नहीं बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी इसलिए सो गई थी। आज भी मैंने पापा के घर नहीं जाऊँगी, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, पर थोड़ा रेस्ट करना पसंद करूँगी आज, हर रोज़ ही तो काम करती हूँ, आज थोड़ा रेस्ट ही कर लूँ, इसलिए आज रोटी वोटी भी नहीं बनाई, अभी चाय बना के आई, सबको चाय पिलाई और खुद भी पिया, फिर छत पर आ गई। ये देखिए मेरे प्लांट का गंधराज, मेरा हस्बैंड इधर मेडिसिन दे रहा है प्लांटों में। छत से नीचे आने के बाद थोड़ा सोची थी कि थोड़ा वो शॉपिंग करने जाऊंगी, पर थोड़ा बारिश शुरू हो गया है और इसीलिए गया नहीं। इतना गुस्सा आया कि थोड़ा घर में हूँ तो थोड़ा आयरन वायरन कर ली, थोड़ा काम वाम भी ख़त्म कर ली, और क्या ऐसे दिन भी ख़त्म हो गया। ये वीडियो कल से स्टार्ट हुआ है, अभी तक चल रहा है, सोचती हूँ अब एंड कर दूँ। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद टुक करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिल जाएगा। टाटा, गुड नाइट।